हरिद्वार में ऑल इंडिया मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है। इसके साथ ही आयोजित बैठक में सभी मेंबरों ने अपने अपने विचार साझा किए। इसी क्रम में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र हर्ष ने कहा कि जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री समेत कोषाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाए, जो संगठन की एकजुटता और बेहतरी के लिए आवश्यक होगा। इसी कड़ी में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे मैं बखूबी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और प्रत्येक पत्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात खड़ा रहूंगा, मेहनत करूंगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज पाल पंचायत एसोसिएशन की एक बैठक की थी जिसमें हरिद्वार इकाई, लक्ष्य इकाई के सभी सदस्य उपस्थित रहे, हमारे प्रत्यक्ष भी रहे। और आज बड़ा ही मुझे गर्व फील हो रहा है कि जो मेरा पिछला कार्यकाल था उसको देखते हुए लक्ष्य इकाई के सदस्य हों या हरिद्वार की इकाई के सदस्य हों, जिन्होंने ये संगठन की लक्ष्य इकाई की दूसरी बार भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उस पर खरा उतरूं। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस लायक चुना जिन्होंने जो ऑल मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया बनाया गया। और जो भी पत्रकारों की समस्याएं होती हैं, अधिकतर पत्रकारों के साथ ही समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि उन्हें रोड पर रहना है, उन्होंने हर किसी को देखना है, सच्चाई भी दिखानी है, अपने आप को बचाना भी है, अपने परिवार का पोषण भी करना है और इसके साथ ही उनके साथ और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। कभी भी हो दुर्घटना का भी शिकार होते हैं, कुछ लोगों के कोप का भाजन भी बनते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि अपनी यूनियन के माध्यम से हम पत्रकारों के हितों की आवाज़ें उठाते रहें और उनके कल्याण के लिए भी सरकार तक पत्रकारों की मांग पहुँचाते हैं, इसी के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। वार्षिक बैठक थी और ये चुनावी बैठक थी ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जनपद इकाई का जो टेनर था, पहला टेनर एक वर्ष का था। तो आज हमने जनपद इकाई का दोबारा से गठन किया है। इसमें हमारी एक जनपद की इकाई है हरिद्वार की और इसके साथ ही इसके पैरेलल हमारी लक्सर की इकाई चलती है जो जनपद की इकाई का ही हिस्सा है। तो जब भी जनपद की इकाई का गठन करते हैं तो उसके साथ साथ लक्सर की इकाई का, रुड़की की इकाई का और आसपास के जो क्षेत्र हैं जो जनपद में शामिल है उन सबकी अलग अलग इकाई का हम गठन करते हैं। तो आज हमने हरिद्वार और लक्सर की इकाई का पुनः गठन किया है।